दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को अच्छा बल्लेबाज और कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, हारा हुआ तीसरा T20 मैच अंतिम ओवर में जितवाने के बाद मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल फूट फूट कर रोने लगे और रोहित शर्मा को भगवान बता जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को महान बताते हुए जो कहा है ना, वो सुनकर आप भी उनको सलाम करने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला बेहद ही शानदार रहा, जहां भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 23 रन से मैच जीतकर 2-1 से सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। वहीं हम आपको बता दें कि 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत की टीम हार चुकी थी, लेकिन दूसरे T20 के बाद टीम इंडिया ने ऐसी वापसी की है कि यहां से अब भारत को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। हुआ ये कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जब आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़े और इस बीच स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए और अभिषेक शर्मा भी जब 10 रन बनाकर अपना विकेट सिकंदर रजा को दे बैठे, यहां से टीम इंडिया पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर वापसी करवाई और इस बीच शुभमन गिल ने जहां 66 रन बनाए तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन जड़कर भारतीय टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जितवाया, जहां 182 रन भारत ने जड़कर 183 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे के आगे रखा। और दोस्तों, जब जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां पर उनकी तरफ से शुरुआत तो अच्छी हुई नहीं। विजली मेदवेयर मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं तदीवा नैश ने 13 रन की पारी खेली और ब्रायन बेनेट भी 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन एक बल्लेबाज उनकी टीम का अंत तक अपनी टीम को जिताने के लिए संघर्ष करता रहा और वो थे डियोन मेयर्स, जिन्होंने 49 गेंदों में 65 रन जड़कर जिम्बाब्वे की टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, जब टीम इंडिया हारने की स्थिति में पहुंचने लग गई तभी संजू सैमसन ने शुभमन गिल को कुछ बातें बताई जिसके बाद विकेट गिरने फिर से शुरू हुए और भारत की टीम ने 23 रन से यह मैच जीता। और इस मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद मैन ऑफ द मैच के इनाम से शुभमन गिल को नवाजा गया, जहां शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच बनने के बाद काफी खुश नजर आए और उन्होंने रोहित शर्मा की बात करते हुए कहा, मैंने जब भारतीय टीम की कमान संभाली तब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं अपनी टीम को इस सीरीज में इस कदर तक आगे लेकर जा पाऊंगा। मैं हमेशा से यही सोचता था कि मेरे अंदर कप्तानी के गुण नहीं है। मैंने अभी फिलहाल में ही T20 विश्व कप समाप्त हो जाने के बाद रोहित भैया से बात करी थी। मैंने उनसे जाना कि आखिरकार मैं अपनी कप्तानी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में आकर अपनी टीम को जितवाने पर ही फोकस करना था। उन्होंने बस मुझे यही बताया था कि मैं बस चीजों को सिंपल रखूं, ज्यादा अपने आप पर दबाव न डालूं, यही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। और उनकी यही बात मानते हुए मैंने ठाना कि आज का मुकाबला हम जीत जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बस अपने आप पर फोकस किया और अपने खिलाड़ियों पर विश्वास, क्योंकि कोई भी टीम अकेले कप्तान की बदौलत नहीं जीतती। अगर यहाँ वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट ना लिए होते तो शायद हम इतनी जल्दी मैच को फिनिश ही नहीं कर पाते। और जिम्बाब्वे की टीम आज के इस मैच में 23 रन से ही हारी है, मतलब कि उनके पास भी बल्लेबाजी का अच्छा हुनर है। लेकिन हमारे बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन जो हमारी टीम के लिए आज अच्छा साबित हुआ है, मैं उसकी कदर करता हूँ और उन्हीं की बदौलत हम यह मुकाबला जीते। हालांकि रोहित भैया तो मुझे जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो बिल्कुल अब मेरे लिए भगवान स्वरूप है और जो वो कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा। उन्होंने अभी हमें T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी भारत टीम की लेगेसी ऐसी ही बरकरार रहे और आगे चाहे मैं कप्तान रहूं चाहे हार्दिक भैया, हम अपनी टीम को बस जिताने पर फोकस करें। तो दोस्तों, यहां पर शुभमन गिल ने तो ऐसी बात कहकर रोहित शर्मा के ऊपर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल एक झटके में ही जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि शुभमन गिल ने जो कहा वो सही या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।